अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, ये ईराही कंपनी का एक ई रिक्शा मेरे पास आया है। ये गाड़ी का प्रॉब्लम है कि ये गाड़ी 30 किलोमीटर के ऊपर इसका पिकअप हो नहीं रहा है। ये गाड़ी का कुछ ही दिनों पहले इसका वायरिंग का काम हुआ था और इसका जो स्पीड है, स्पीड ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा है, यही मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और देखिए फ्रेंड, इसमें नया वायरिंग भी डाला हुआ है। तो फ्रेंड, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड देखिए, ये गाड़ी में सिंगल स्पीड एक्सीलेटर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गाड़ी का पिकअप ज़्यादा नहीं होगा। तो हो सकता है इसका वायरिंग में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, इसका नया वायरिंग डाला हुआ था, हो सकता है इसमें वायरिंग का जो कपलर लगा हुआ रहता है, कपलर फॉल्ट हो सकता है, तो पहले यही चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले गाड़ी को टेस्ट ड्राइव लेते हैं। एक बार टेस्ट ड्राइव करके आपको दिखाता हूँ कि इसका स्पीड जो है, स्पीड कितना आ रहा है। फ्रेंड, आप लोग मीटर में फॉलो कीजिए, देखिए 20-30 के ऊपर ये पिकअप नहीं हो रहा है, ये पूरा हाई एक्सेलेरेटर दबाने के बाद ही ऐसा हो रहा है, देखिए। तो फ्रेंड देखिए, इसका जो स्पीड था 20 और 30 के मिडिल में था, तो ये होना नहीं चाहिए, ये और भी ज़्यादा होना होगा क्योंकि एक्सेलेरेटर मैंने फुल दबा दिया था। तो फ्रेंड देखिए, ये हो गया इसका कंट्रोलर, और ये जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर में हाई, मीडियम, लो जो तीनों स्पीड का जो गियर रहता है, ये इसमें अवेलेबल होता है। तो देखिए फ्रेंड, ये गाड़ी में ये जो देखिए 3 पिन वाला जो कपलर है, ये कपलर इसमें लगा हुआ नहीं था, मैंने जो सोचा था वही हुआ। ये ओरिजिनल वायरिंग जो है, ये QHD टाइप वायरिंग है, और ये वायरिंग में ऐसा 3 पिन वाला जो सिस्टम होता है, वो वायर अवेलेबल होता नहीं है उसमें, ये अलग करके करना पड़ता है। तो ये गाड़ी में ऐसा नहीं था, जिसके कारण ही नहीं हो रहा। तो पहले चलिए इसको एक शॉर्टिंग तार के ज़रिए इसको डायरेक्ट करके देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे ये जो तीनों वायर है, तीनों वायर में से मिडिल वाला जो वायर है, ये न्यूट्रल वाला वायर है, ठीक है, और इसका दोनों साइड में जो दो वायर है, एक हाई का काम करता है, एक लो स्पीड का काम करता है। तो मिडिल में एक वायर को देख के, उसके बाद दोनों साइड में एक एक बार करके शॉर्टिंग करके देखना होगा। तो देखिए, मैंने एक साइड में पहले शॉर्टिंग किया, अब जाके देखता हूँ कि स्पीड ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड देखिए, अभी 30 के ऊपर पूरा स्पीड आ गया है,
लेकिन पूरा नहीं गया है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला जो है वो वाला करके देखते हैं। इसको ही अभी शॉटिंग करेंगे, लेकिन ऐसा करके नहीं। देखिए ये जो फीमेल कपलर है, फीमेल कपलर के जरिए इसको शॉटिंग करेंगे तो ही ये अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में ढीला हो जाने से फिर ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मेल दो पिन लगेगा और एक थ्री पिन वाला फीमेल कपलर करके, देखिए ऐसा हो गया। अब जाके इसको फिटिंग कर देने से बस प्रॉब्लम सॉल्व। तो फ्रेंड देखिए अभी 40 के आसपास पिकअप आ गया है, तो ये एकदम सही है। और फ्रेंड्स बहुत सारे भाइयों ने मुझे कमेंट किया था कि गाड़ी का स्पीड कम हो रहा है, गाड़ी का स्पीड कैसे बढ़ाए, तो वही भाइयों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए आपका गाड़ी का जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर में अगर हाई मीडियम लो सिस्टम रहेगा तो ही आपका गाड़ी का स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आपका गाड़ी में वो सिस्टम है कि नहीं वो आप कैसे जानोगे, तो देखिए कंट्रोलर में ये जो थ्री पिन वाला जो कपलर रहेगा एक सिंगल रहता है जो एक्सीलेटर के लिए होता है, ठीक है। देखिए ये वाला जो है ये एक्सीलेटर का थ्री पिन वाला कपलर है, लेकिन अगर आपका गाड़ी में थ्री पिन वाला सेम ऐसा ही कुछ और एक रहेगा कपलर, तो वो गाड़ी का वो हो गया कि आपका हाई मीडियम लो सिस्टम, ठीक है। तो जो जो गाड़ी में हाई मीडियम लो सिस्टम होता है वैसा में ऐसा ही थ्री पिन करके अलग करके कपलर रहता है, ठीक है। तो यही देख के आपको समझना चाहिए। और एक गाड़ी में होता है नॉर्मल यूफेंग टाइप में होता है, देखिए ऐसा जो सिंगल कपलर आप देख रहे हो, सिंगल जो टू पिन कपलर में रहेगा, तो वैसा होगा इसका मेल और फीमेल दोनों साइड रहेगा, तो वो अगर खुला हुआ रहेगा तो आपका गाड़ी का स्पीड ज़्यादा होगा, और अगर आप वो दोनों कपलर को आप लगा दोगे तो आपका गाड़ी का जो स्पीड है स्पीड थोड़ा लो हो जाएगा। तो फ्रेंड यही दो सिस्टम होता है आपका गाड़ी का स्पीड बढ़ाने का, ठीक है। सो फ्रेंड स्पीड रिलेटेड यही कुछ बेसिक टिप्स था जो आप लोगों को जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ऐसा कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।